हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज फैशन व्यू चेतना. और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. सो गाइज, ये है मेरा न्यू हेयर कट. आपने मेरा हेयर कट का वीडियो ब्लॉग देखा होगा. तो इंस्टाग्राम पे मैंने जब ये पिक्चर अपलोड करी तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कौन सा हेयर कट है. एक्चुअली इसका कोई नेम नहीं है. जस्ट गूगल से मैंने पिक्चर सेलेक्ट करी. मुझे जो मैंने पिक्चर सेलेक्ट करी थी उसमें आगे बैंग्स भी थे, बट जब मैंने कटवाने की सोची वैसे बैंग्स, तो सैलून वालों ने बोला कि उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ स्ट्रेट हेयर कट ही लिया. तो आपको भी अगर इस टाइप का हेयर कट लेना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो लेटेस्ट हेयर कट या लेटेस्ट शॉर्ट हेयर कट फॉर वुमेन. तो आप भी ऐसा हेयर कट करवा सकते हो. सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने मेकअप का कोई वीडियो नहीं बनाया, तो ये वाला वीडियो जो है मेकअप के लिए है. मैंने बहुत लाइक 2.5 मंथ के बाद में कोई मेकअप वीडियो बनाया है. सो ये मेकअप लुक जो है वो समर फ्रेश मेकअप लुक है कि आप समर में अपना मेकअप एकदम कैसे फ्रेश दिखा सकते हो या समर के अकॉर्डिंग आप अपना मेकअप कैसे कर सकते हो जो एकदम फ्रेश लुक दे. सो गाइज, अगर आप लोगों को ये मेरा मेकअप का वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना. और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक और जिसका नेम आईडी नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो. और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो गाइज. सो मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैंने ये मेकअप कैसे किया है. सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी प्लम ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र. ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, समर के लिए एकदम परफेक्ट मॉइस्चराइज़र है. अब मैं यूज़ करूँगी कलरबा का ये प्राइमर. ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है समर के लिए और ये स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, मेकअप के लिए एकदम परफेक्ट है. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी एलेगल का प्योर बेज कंसीलर. यू नो, अभी मेरी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो चुकी थी तो मेरे फेस पर थोड़े एक्ने के मार्क है, तो मैं सबसे पहले कंसीलर वहाँ अप्लाई करके अपने फेस को इवन कलर दे दूँगी. अब मैं यूज़ कर रही हूँ वेट ब्यूटी ब्लेंडर और उस कंसीलर को वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करते हुए अपनी स्किन को एक इवन लुक दे दूँगी. आप देख सकते हैं मेरा फेस का इवन कलर लग रहा है. अब मैं यूज़ करूँगी मिलानी का 2-in-1 फाउंडेशन. ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है. यहाँ पर मैंने ओनली 2 ड्रॉप ली है और 2 ड्रॉप से मैं अपने फुल फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी. मैं आज कोई कंसीलर अप्लाई नहीं करूँगी, सिर्फ फाउंडेशन से अपने फेस को एक इवन कलर दे दूँगी. अपने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी. ये फुल कवरेज फाउंडेशन है तो 2 ड्रॉप जो है सफिशेंट होती है फेस को इवन कलर देने के लिए. और इसमें जो मेरा शेड है वो है सैंड बेज. वैसे मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे फाउंडेशन सेट हो जाने के बाद मैं यूज़ करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट आई शेडो पैलेट. ये मेरा फेवरेट आई शेडो पैलेट है. यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर और फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से सर्कुलर मोशन में अपनी आउटर आई वी पर इस आई शेडो को सेट करूँगी. अपनी दूसरी आई पर भी आउटर वी पर मैं इस डार्क ब्राउन कलर के आई शेडो को सेट कर लूँगी. डार्क ब्राउन कलर आई शेडो सेट करने के बाद में मैं सेम पैलेट में से कोरल कलर पिक करूँगी. ये एकदम फ्रेश कलर लगता है समर के लिए, तो इस कोरल कलर को मैं ऑल ओवर अपनी आईलिड और पूरी आई पर अप्लाई कर लूँगी. बहुत ही अच्छा कलर है, एकदम फ्रेश लुक दिखता है और नेचुरल लुक लगता है, इसलिए मैं इस कलर को अपनी ऑल ओवर आई पर अप्लाई कर लूँगी. ये आप मेरे आई शेडो का क्लोज़र लुक देख सकते हैं कितना नेचुरल लग रहा है. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का ये आईलाइनर. ये बहुत ही सॉफ्ट सिल्की आईलाइनर है, बहुत अच्छा आईलाइनर है. आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करें, समर के लिए एकदम परफेक्ट है और ये स्प्रेड भी नहीं होता है. तो इस आईलाइनर को मैं अपनी दोनों आई पर अप्लाई कर लूँगी और ये लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर भी है, बहुत अच्छा आईलाइनर है. आईलाइनर कंप्लीट होने के बाद मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का फाइबर मस्कारा और इस मस्कारे को मैं अपनी लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी और अपनी लैशेस को एक बिग वॉल्यूम दे दूँगी. अपर लैश लाइन पर या अपर लैशेज पर मस्कारा अप्लाई होने के बाद मैं अपनी लोअर लैशेज पर मस्कारा अप्लाई करूँगी, एक अपनी आई को अच्छे से डिफाइन करते हुए। देन उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेबलिन क्यूड की ये ड्यू शॉपर आईब्रो पेंसिल। इसमें मैं आईब्रो पेंसिल की हेल्प से अपने हेयर को अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर दे दूँगी। उसके बाद में इस पेंसिल के बैक साइड में जो स्मजर है उसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रो के एक्स्ट्रा हेयर गैप को फिल कर लूँगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं स्मजर को यूज़ करते हुए अपने आईब्रो के हेयर के एक्स्ट्रा गैप को फिल कर रही हूँ। उसके बाद में मैं एक स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ये कॉन्टोर पैलेट जिसमें मेरा शेड है वुडी वंडर, और एक कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से मैं अपने फेस की जो लाइन की कॉन्टोरिंग कर लूँगी, नोज़ की एंड फोरहेड की भी कॉन्टोरिंग कर लूँगी। कॉन्टोरिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फेस को स्लिम दिखाने के लिए, ये फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा पार्ट होता है, इससे आपका फेस बहुत स्लिम आता है, इसलिए आपको कॉन्टोर जो है ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लैक्मे 925 ब्लश, और इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो एक ब्लश ब्रश की हेल्प से मैं अपनी चीक पर ब्लश अप्लाई कर लूँगी। एंड कंटूरिंग कंप्लीट होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हाइलाइटर। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका का 2K ग्लैम हाइलाइटर, एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से अपने नोज़ की, फोरहेड की और अपने फेस की बहुत अच्छे से हाइलाइटिंग कर लूँगी। समर में हाइलाइटिंग जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे हमारा फेस जो है थोड़ा शाइनी और फ्रेश दिखता है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं बट थोड़ी हाइलाइटिंग जो है हमें समर मेकअप के साथ में करनी चाहिए। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लॉरियल की ये सो शी मैट लिपस्टिक, ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, ये बहुत ही अच्छा पीची कलर है, तो समर के लिए एकदम परफेक्ट है फॉर फ्रेश मेकअप के लिए। तो आप ये लिपस्टिक भी ट्राई कर सकते हैं, और कोई आपको दूसरी लिपस्टिक पसंद हो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो लिपस्टिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप में, इससे हमारा मेकअप बहुत अच्छा दिखता है। ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को मेरा ये समर फ्रेश मेकअप लुक या समर मेकअप लुक काफी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जैसे कि मैंने बोला है कि कमेंट करना ना भूले, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू गाइज, बाय बाय। और हाँ, अगर आप मेकअप के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू गाइज, बाय बाय।